शालिनी किचन में आपका स्वागत है। आज हम समोसे बनाएंगे। समोसों के लिए मैंने ये वाली एक कटोरी मैदा ले रखी है और आधी कटोरी सूजी। उसको थोड़ा सा मोमन डाल के इस तरीके से मैं उसे माल लूँगी। ये मैंने मैदा माल लिया है। इसका डो ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मुलायम होना चाहिए। ये देखिए, बस इसको हम इस तरीके से माल के और आधे घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। देखिए, बॉयल आलू हैं ये। बॉयल आलू में नमक और खटाई डाल रखी है मैंने। ये चाट का मसाला है। चाट का मसाला आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपका मन करे। ये मिर्च है, ये जीरा है और ये थोड़ी सी अजवाइन है, बिल्कुल थोड़ी सी। इसमें हल्दी बिल्कुल नहीं डलेगी। और ये है मटर। ये देखिए, थोड़ा सा घी डाल के मैंने इसमें जीरा, अजवाइन और मिर्च डाल दी है। अब इसमें ये मैं चाट का मसाला डाल दूँगी। फ्राई सा होने लगे तो फिर आप बॉयल आलू हैं उनको डाल दीजिए। ये आलू मैंने डीप फ्राई कर लिए। अब बस मैं इन्हें समोसों में भरने के लिए तैयार हैं। थोड़े ठंडे हो जान दीजिए, फिर मैं इन्हें समोसों में भर दूंगी। फूल के कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देखिए, बस इस तरीके से खिली खिली दिखाई देगी। मैंने उसी आटे की इतनी बड़ी एक लोई तैयार कर ली है बेलने के लिए। इतनी बड़ी एक लोई तैयार कर ली है बेलने के लिए। मैंने इसको बेल लिया है। लंबा लंबा बेलना है, ना मोटा और ना पतला। इसको बेल के बीच में से काट लिया है और किनारों पे थोड़ा सा पानी लगा लिया है ताकि वो चिपक सके। इस समोसे को मैंने इस तरीके से लिया और इस तरीके से ऐसा मोड़ दिया। यूँ दबाती गई और देखिए इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से आप एक कोन बना लीजिए इस तरीके से। अब आप इसमें आलू सारे हैं जितने भी हैं आपके पास, थोड़े बहुत थोड़े थोड़े करके इसमें फिल करते जाइए। इस तरीके से हमने आलू इसके अंदर फिल कर दिए। अब इसके किनारों पे हम इस तरीके से पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह चिपक सके। अब ये जहाँ से ये लाइन बनी हुई है, ये आपको दिख रही होगी लाइन, इसके ठीक सामने से ही इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कीजिए। ये लाइन बनी है, इसके अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कीजिए और फिर इसको ये इस तरीके से दबाइए। दबाते हुए लाइए, थोड़ी थोड़ी प्लेटें देते जाइए ताकि वो चौड़ा चौड़ा समोसा नहीं दिखाई दे आपको। देखिए, ये समोसे का शेप बन गया। देखिए, और ये प्लेट भी आ गई। जैसे आपने देखा होगा बाज़ारों में ये प्लेट दिखाई देती है, आप इस तरीके से आप चाहें तो इसे गूंद भी सकते हैं। गूंदने के लिए वही ऐसे एक बार मोड़िए, फिर 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 एक बार मोड़िए। और आप चाहें तो नहीं भी गूंथ सकते। बाजार के समोसों में कभी गुथा हुआ नहीं आता है, पर आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। देखिए, समोसों को मैंने डीप फ्राई कर लिया है। इसे सॉस और चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिए। मेरे पेज का नाम है कुकिंग एक्सपीरियंस और मेरा नाम है शालिनी गर्ग सिंगल। थैंक यू।